नमस्ते, मेरा नाम अथर्व भार्गव है और आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी मम्मी ने लिखी है। उस कहानी का नाम सपना है। एक छोटा बच्चा था जिसका नाम बिट्टू था। उसके पिताजी एक स्कूल में बस के ड्राइवर थे, तो वह रोज़ खाने के टाइम पे अपने पिताजी के लिए खाना लेकर आता था और उनकी बस धोने में मदद करता था। और जब उसके पास कुछ काम करने को नहीं रहता था तो अपने उम्र के बच्चों को खेलते हुए देखता था। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि इस बच्चे को भी अपने साथ खिलाते हैं तो अच्छा रहेगा, तो वे उनके पास गए और बोला कि हमारे साथ खेलिए, हम तुम्हें खिलाएंगे। तो वह बोलते हैं कि मुझे ना क्रिकेट आता है ना फुटबॉल, तो मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। तो वह एक बच्चा बोलता है कि ठीक है, हम बैठ के बातें करते हैं साथ में। तो बिट्टू बैठ जाता है, सब अपने बारे में बताते हैं कि मैं अब क्रिकेट क्लास जाऊंगा, मैं ड्राइंग क्लास जाऊंगा, और बिट्टू कुछ नहीं बोलता है। फिर एक लड़का बिट्टू से पूछता है कि तुम कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हो। तो वह बोलता है कि मुझे आप लोगों की बातें समझ में नहीं आती हैं और मैं ये सब बातें करता नहीं हूँ। तो वह बोलता है कि ठीक है, हम जब अपनी बातें करें तो उसके बाद तुम यह बताना कि तुम्हें पिछली रात क्या सपना आया था। तो वह बोलता है ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि पिछली रात मुझे एक सपने में एक खजाना मिला जिसके अंदर रोटी, सब्जी, व्यंजन, अलग अलग तरीके के व्यंजन थे। तो अगले दिन जब सब लोग अपनी बातें करते हैं, उसके बाद उसकी बारी आती है, तो वह बोलता है कि उसको एक हवाई जहाज़ दिखा जिसके पहिए रोटियों से बने थे और हवाई जहाज़ अलग अलग सब्जियों से। फिर अगले दिन जब सब लोग ने बोला तो उसने कहा कि मुझे कल जहाज़ दिखा जो खीर पर तैर रहा था और वह जहाज़ में अलग अलग मिठाइयाँ थी। अगले दिन बोलता है कि कल मेरे घर पे सांता क्लॉज आया और उसके झोले में बहुत सारी मिठाइयाँ थी। तो वह एक लड़का अपने आप को रोक न सका और पूछ दिया कि क्या बिट्टू, तुम्हें रोज़ रोज़ खाने के ही सपने आते हैं? तो वह बोलते हैं, बहुत आश्चर्य से पूछता है कि तो खाने के अलावा भी कोई सपने होते हैं? धन्यवाद।